हाँ जी महाराज जी, यहाँ का इतिहास बताइए जो श्री गंगा का। देखिए जो है शुक्रताल है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुझे मुजफ्फरनगर, जहाँ पे लोग काफ़ी आते आते सामने गंगा जी बह रही है। वहाँ पर जो सुखदेव मुनि जी हुए, तो उन्हें जो राजा परीक्षित हुए तो उनको सुनाई थी कथा, तो उसके बाद फिर हो गए अमर। उनको जो सर्फ ने काट लिया था राजा परीक्षित को, तो सबने बताया कि भाई इस समय जो यहाँ पे संत है सुखदेव मुनि है, आप उनके पास जाइए, अगर ये आपको कथा सुना देगी 7 दिन की, तो आपको जो सर्फ ने काटा था उससे आपको मोक्ष मिल जाएगा, गति मिल जाएगी, अन्यथा आप नरक में जाएंगे। तो ये इसी का जो है इतिहास यहाँ पे, जो राजा परीक्षित हुए तो उनको सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई थी, ये गंगा जी है, गंगा जी पैर यहाँ पे सभी लोग बाग स्नान करने के लिए आते हैं। हर साल भर में तो यहाँ पे गंगा स्नान लगती है, एक पूर्णिमा होती है, एक कार्तिक पूर्णिमा होती है, काफ़ी लोग बाग संगत आती है। जैसे कि मुजफ्फरनगर जिले में होते हैं, जैसे कि लोग बाग एस पार वगैरह हो जाते हैं, तो जैसे कार्तिक पूर्णिमा होती है तो वहाँ पर उनके दीवे देने के लिए आते हैं, तो सभी को शांति मिलती है, गंगा जी में स्नान करते हैं। बहुत ही अच्छा सुखदेव धाम है, बहुत ही अच्छे यहाँ पर मंदिर भी है, और अपना संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी का मंदिर है, जो सपनला मंदिर है, 51 फुट की जो गेट की ऊंचाई है, और 151 फुट जो है संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी का मंदिर है। महाराज जी, आप यहाँ पर कहाँ कितने समय से सेवा कर रहे हो? मुझको जी यहाँ पे करीब 19 साल हो गए सेवा करते हुए, संत शिरोमणि गुरुदास मंदिर में यहाँ पर हम सेवा करते हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर की संगत आती है, पंजाब की भी आ रही है, जैसे कि आप पंजाब से आए हो, और हरियाणा से भी आती है, दिल्ली से भी आती है, गुजरात से भी आती है, महाराष्ट्र से भी आती है, काफ़ी देश विदेश से भी यहाँ पर संगत आती है दर्शन करने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि जहाँ से बहुत दूर से संगत आती है, और जो रविदासिया समाज का एक जागरूकता होने वाला एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप? हमें सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो शुक्रताल में अपना संत शिरोमणि गुरुदास महाराज मंदिर है, तो सभी यहाँ पे आए, सभी यहाँ पे दर्शन करें, और गंगा में स्नान भी करें, और जो अपने जो गुरु महाराज का पावन उपदेश है, पावन वाणी है, उनका प्रचार प्रसार करें, और एक अपने अंदर मानवता रखे, अपने अंदर एक जो है भाईचारा रखे, प्रेम रखे। मैं ये कहना चाहूँगा। शुक्रिया महाराज जी।